हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त मनोज। आज हम महिंद्रा बुलेरो पिकअप 1.3T में जीपीएस इंस्टॉल करेंगे विथ रिले। हम ब्लैकबक बॉस का जीपीएस इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, मार्केट में अच्छा प्राइस में ही मिलता है। प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में बेल आइकन है, प्लीज़ एक बार दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी पिकअप का जीपीएस इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। अभी इसका जो स्टेयरिंग बॉक्स है, स्टेयरिंग बॉक्स के नीचे उसका जो बक्स रहता है ऐसा, उसको निकाल दीजिएगा। उसके अंदर ही कपलर रहता है, जो का चाबी का कपलर रहता है। अभी देखिए, ये चाबी का कपलर है, इसमें दो वायर है। एक देखिए मोटा वायर है वाइट का, और दूसरा भी पतला वायर है वाइट का। और इसमें दो कनेक्शन इसमें भी आता है, एक येलो का आ रहा है और बाकी एक पर्पल कलर का आ रहा है। इसमें हम चेक करेंगे इसमें 12 वोल्ट करंट किस में आता है। अभी देख लीजिए, हमने इसमें जो चाबी का कपलर रहता है उसको निकाल चुके हैं, और इसमें चेक करेंगे कौन सा करंट आता है, कौन सा मेन वायर है और कौन सा इमुलेशन का वायर है, वो चेक करेंगे। अभी देखिए, येलो कलर का जो वायर है वो मेन वायर है, जो 12 वोल्ट का करंट आ रहा है, और बाकी जो दूसरा पर्पल कलर का है वो इग्निशन का वायर है। अभी हम इग्निशन का वायर को निकाल देंगे इसमें से। अभी जो इसमें रिले फिटिंग करेंगे, इसमें कौन सी वायर भी कटिंग नहीं होगा, जो पूरा डायरेक्ट हम कपलर में ही इसको फिटिंग करेंगे, क्योंकि जो नया गाड़ी है उसमें कटिंग करने से उसका वारंटी कवर नहीं होगा। तो हम इसमें से कपलर को निकाल देते हैं, उसका क्लिप को निकाल देते हैं। फिर जो रिले का वायर रहता है, 4 वायर रहता है। तो अभी जो रिले है, रिले में 4 वायर निकलता है। इसमें ग्रीन कलर का वायर 2 है और येलो है, एक वाइट है। अभी जो कपलर से जो वायर निकाला था वो इग्निशन का वायर था, तो हमने एक इग्निशन के वायर में एक डाल दिया है, और जो वायर निकाला था कपलर से उसमें भी एक कनेक्शन दे चुके हैं। ये 2 कनेक्शन बराबर हो चुका है, बाकी का कनेक्शन हम कर रहे हैं। देखिए जीपीएस का जो वायर रहता है 4 कनेक्शन का, देखिए इसमें 4 वायर है, एक रेड कलर का है, एक ब्लैक का है, एक वाइट का है, एक ग्रीन का है। अभी इसके देखिए हम कनेक्शन दे रहे हैं, रिले में कनेक्शन होगा। अभी जो ग्रीन कलर का वायर है, जो रिले का ग्रीन है, और बाकी गाड़ी का जो इग्निशन का वायर निकला था उसमें हमने अच्छे से क्लिपिंग कर लिया है। अब देखिए, उसका रिले का वाइट वायर और जीपीएस का जो वाइट वायर है, उन दोनों को मिला के अच्छे से क्लिपिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी जीपीएस का जो देखिए कपलर डायरेक्ट करंट है, जो कपलर से डायरेक्ट करंट निकला था, उसमें रिले का कनेक्शन दे चुके हैं, रिले का येलो कलर, और बाकी जीपीएस का जो वायर है उसका रेड कलर, और कपलर से जो मेन करंट जिसमें 12 वोल्ट रहता है, जो उसमें हमने टैग कर लिया अच्छे से। देखिए अभी कनेक्शन बराबर हो चुका है, अभी अर्थिंग देना बाकी है। उसका जो ब्लैक कलर का वायर है उसको हम अर्थिंग करेंगे। अर्थिंग बराबर देना चाहिए, देखना चाहिए गाड़ी में अर्थिंग प्रॉपर कहाँ से आ रहा है। देखिए दोस्तों, अभी उसका अर्थिंग कनेक्शन हमने दे चुके हैं, उसका बराबर अच्छे से टाइट भी कर चुके हैं। अभी जो भी कनेक्शन था वो कनेक्शन हमने देख लिया, फिर एक बार चेक कर लेते हैं कनेक्शन बराबर है या नहीं। अभी देखिए कनेक्शन बराबर है। अभी इसमें जीपीएस को क्लिपिंग करेंगे, ये जीपीएस देखें, इसको अभी क्लिपिंग करेंगे। इसको क्लिपिंग करने के बाद उसको हार्ड रिसेट करके जीपीएस को एक्टिव करेंगे, फिर देखेंगे जीपीएस कैसे काम करता है, क्या करता है, आपको दिखाएंगे। एक्टिवेशन हो चुका है और मैप का जो व्यू है वो इस तरह से दिख रहा है। देखिए हम जीपीएस में चलेंगे, देखिए जीपीएस में जाने के उसके गाड़ी का नंबर आ रहा है, लास्ट लोकेशन भी दिखा रहा है, साइड में इग्निशन है, स्पीड है और ट्रैवल किलोमीटर भी है जी। देखिए गाड़ी का नंबर पर टैप करेंगे, देखिए उसका मैप व्यू भी दिखा रहा है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का व्यू दिखा रहा है। देखिए मस्त प्यारा सा व्यू है, एप्लीकेशन में वो दिखा रहा है। देखिए उसका स्टॉपेज भी दिखा रहा है, ये जो भी स्टॉपेज है, इसका ट्रिप हिस्ट्री भी है, और उसमें बैक करते हैं। अभी इसमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। देखिए अलर्ट सिस्टम का ऑप्शन भी है, इग्निशन अलर्ट का है, ओवर स्पीडिंग का है, व्हीकल स्टैंडिंग का है, लोकेशन एंटर एंड एग्जिट का भी है। इसमें रिपोर्ट में भी है, रिपोर्ट में क्या चलिए दिखते हैं। देखिए दोस्तों, रिपोर्ट में भी ओवर स्पीडिंग का लिमिट है, इसमें काउंट भी करता है, रेटिंग भी देता है, हार्स ब्रेकिंग का भी है, आइडल का भी है। चलिए दोस्तों देखते हैं, इसमें डेस्कटॉप लिंक भी दिया हुआ है। चलिए दोस्तों और कुछ है इसमें, इसमें स्टॉपेज दिखा रहा है, मैं इसमें मूविंग दिखा रहा है, लो नेटवर्क दिखा रहा है, वायर डिस्कनेक्ट दिखा रहा है। जो भी जीपीएस का प्रॉब्लम होगा वो इसमें नीचे शो कर देगा। ठीक है दोस्तों, इसका मैप व्यू तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा लगा देख के। तो आप लोग को डिसाइड कीजिए आपको कौन सा जीपीएस लेना है। मेरे ख्याल से तो ब्लैकबक का जीपीएस बहुत ही अच्छा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।